तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज डेट है हमारी 17 जून। तो जैसे मैंने कल के व्लॉग में आपसे बोला था कि आज हम जाने वाले हैं अपनी चार धाम यात्रा के लिए, तो वो हमारी शुरू हो चुकी है। और ये देखिए, हमारे पीछे ही हमारी गाड़ी खड़ी है और उधर हमारी बुआ जी आ रही हैं। बस सामान तो सारा ऊपर पैक हो गया है, बस अब बच्चों की देरी रह गई है आने की। तो चलिए, मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो गाइस, अभी हम जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम अभी गाड़ी में बैठे हैं अपनी, और दिखाते हैं हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। तो देखिए गाइस, ये हमारी ताई जी हैं, ये जो हमारे साथ जा रही हैं। छोटू, ये हमारे छोटू भैया हैं। और भैया बुआ जी और क्या बात कर रही हो? और ये हमारी बुआ जी हैं, और ये हमारी मम्मी जा रही हैं हमारे साथ, और वो हमारे पापा हैं उधर। पापा को दिखाओ, पापा हमारे। बंद मोबाइल निकाल के वो करवा फिर बाद में करो। अरे भाई सुन रहे? तो मैं? ये हम टोटल 7 जने हैं अपने। मिलते हैं गाइस आपसे बहुत जल्द। खोलता रहे हरिद्वार आ चुके हैं अपना। तो गाइस, हम इस वक्त हैं अपनी अच्छी पहाड़ियों के बीच में, और अभी हम जा रहे हैं टिहरी डैम। बहुत जल्द मिलवाएंगे, दिखाएंगे आपको टिहरी डैम का नज़ारा। बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में। 11 किलोमीटर रह गया है, और ये देखिए नज़ारे, पहाड़ पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़। मिलते हैं आपको डैम। गाइस, ये हम फाइनली आ चुके हैं अपना टिहरी डैम, और बहुत ही सुंदर इलाका है ये हमारा। पूरा मज़ा लेते हुए हम, और अभी यहाँ पे हम शायद बोटिंग वगैरह भी करें। ये देखिए, ये देखिए पूरे पहाड़ों का नज़ारा हमारे। चलिए, मिलते हैं आपसे बोटिंग के टाइम पे। तो गाइस, ये हमारे जाते हुए वंश है, और हम लोग करने जा रहे हैं जेट स्की। तो ये हमारी केवल 1 मिनट की राइड रहेगी, और मैंने भी टिकट करा है इसका, वंश ने भी करा है। तो सबसे पहले वंश जा रहा है करने के लिए, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। गाइस, 1 मिनट के लिए है ये केवल। चलिए दिखाते हैं आपको। तो गाइस, ये कुछ इस टाइप से होती है हमारी जेट स्की। इसमें एक ही पर्सन बैठता है, और गाइस व्यू वगैरह देखिए यहाँ का। सर, आप जेट स्की कर रहे हैं? ये देखिए, ये ऐसे होता है। अरे भाई साहब, ये क्या है? तब तो जो है जो है। गाइस, बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये। भीगे तो कहीं भी नहीं है। ये हमारे भ्राता श्री बैठ गए करने के लिए जेट स्की।
बाकी जो स्टेम्स होने वो पास में करवा देना। स्टेम्स जो घुमाना वगैरह है वो पास में करवा देना।